आज की लैब में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू कॉन्फ़िगर स्टैटिक राउटिंग। राउटिंग बेसिकली दो तरह की होती है, एक होती है हमारे पास स्टैटिक राउटिंग और दूसरी होती है हमारे पास डायनेमिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग में ये होता है कि स्टैटिक राउटिंग नेटवर्क सिस्टम में हमें राउटर को मैनुअली हर चीज़ बतानी पड़ती है कि भाई ये आपके सिस्टम में नया नेटवर्क आया है, या ये फिर आपके सिस्टम में कोई लिंक फेल्योर हो गया है, कोई लिंक टूट गया है, या कोई और प्रॉब्लम हो गई है आपके नेटवर्क सिस्टम में। तो हमें हर चीज़ मैनुअली राउटर के अंदर जाके उसको बतानी पड़ती है, जबकि डायनेमिक राउटिंग में ऐसा नहीं होता। डायनेमिक राउटिंग में क्या होता है कि डायनेमिक राउटिंग में राउटर्स के अंदर प्रोटोकॉल्स चल रहे होते हैं। वो प्रोटोकॉल बेसिकली इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन होती है नेट, वो एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि इस नेटवर्क सिस्टम में, डायनेमिक राउटिंग नेटवर्क सिस्टम में, कोई भी चेंजेस आए, कोई नया नेटवर्क जो है वो आ जाए, या कोई लिंक फेलियर हो जाए, कोई लिंक टूट जाए, तो वो अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं एक दूसरे को विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिसकी वजह से वो उनको पता चलता रहता है कि ये चीज़ नई चेंजेस जो हैं वो आ गई हैं, या कोई नया नेटवर्क आ गया है, या कोई लिंक फेलियर हो गया है। तो इस हवाले से देखा जाए तो हमारे पास जो डायनेमिक राउटिंग है वो ज़्यादा बेहतर है। तो आज की लैब में हम क्या करेंगे, बेसिकली आज की लैब में हम जो है वो स्टैटिक राउटिंग पे काम करेंगे कि स्टैटिक राउटिंग कैसे कॉन्फ़िगर की जाती है, क्योंकि कुछ सिस्टम ऐसे हैं जहाँ पे स्टैटिक राउटिंग जो है वो यूज़ होती है, फिजिबल है। तो आज हम स्टैटिक राउटिंग सीखेंगे, आगे जाके हम डायनेमिक राउटिंग सीखेंगे कि और उनके अंदर कौन कौन से प्रोटोकॉल्स चल रहे होते हैं उनके बारे में सीखेंगे। तो आज की लैब हमारी जो है वो प्योरली जो है वो स्टैटिक राउटिंग के ऊपर है। आप देख सकते हो कि मैंने एक छोटा सा टोपोलॉजी यहाँ पे तैयार की है, जिसमें मैंने कुछ कलर कोडिंग्स कर दी हैं। कलर कोडिंग बेसिकली डिफरेंट नेटवर्क्स के हिसाब से की है मैंने कि इस जो है कलर में ये एक नेटवर्क सिस्टम काम कर रहा है, और इस कलर में बेसिकली ये नेटवर्क काम कर रहा है, और यहाँ ये काम कर रहा है। मैंने मुख्तलिफ नेटवर्क्स के आईडीज़ ले लिए हैं। मैंने यहाँ पे एक क्लास ए का लिया है, यहाँ सी का, यहाँ बी का लिया है। आप कोई सा भी ले सकते हो, बस नेटवर्क डिफरेंट होना चाहिए। आप एक ही क्लास के डिफरेंट भी ले सकते हो। तो दो लैंस बना लिए मैंने, उन लैंस को मैंने नाम दे दिया। लेट्स से कि एक लैन जो है वो हमारी लाहौर की लैन है, दूसरी हमारी NYC न्यूयॉर्क सिटी की लैन है, और मेरे पास यहाँ पे दो राउटर्स हैं। एक राउटर मैंने कह दिया कि पाकिस्तान का है, दूसरा USA का है, और इसके दरमियान अब हम जो है वो कनेक्शंस करेंगे, और उसके बाद हम स्टैटिक राउटिंग जो है वो कैसे कन्फिगर की जाती है हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम कनेक्शंस कर लेते हैं, और कनेक्शन के लिए आपको पता है कि आप ऑटोमेटिकली चूज़ कनेक्शन टाइप भी कर सकते हो, या खुद से चूज़ करो। मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि खुद से किया करो, ताकि आपको याद रहे कि आपने केबल कौन सी लेनी है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिफरेंट जो है वो हमारे पास डिवाइसेज हैं। तो डिफरेंट डिवाइसेज में मैंने आपको बताया था कि कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल लगती है, आप इसको चूज़ करके आप इसको कनेक्ट कर दो। इसकी जो फास्ट इथरनेट पोर्ट है वो स्विच की फास्ट इथरनेट पोर्ट 0/2 से कनेक्ट कर दो। पहली जो होती है वो मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि वो मैंने राउटर में कन्फिगर करनी होती है। तो आप कर सकते हो, कोई सी भी ले सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन मौजूद नहीं है। तो इस तरह से हम जो है वो दूसरी लैन के लिए भी हम जो है वो कनेक्शन कर लेते हैं। फास्ट इथरनेट पोर्ट को इसकी 0/2 से हम कनेक्ट कर देंगे। हमारी जो दोनों लैंस हैं उसके कनेक्शंस हो गए, और अब जो है हम राउटर्स के ऊपर जो है उनके आपस में कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे हमारे लिए एक नई चीज़ जो आ रही है वो ये है कि दो राउटर्स के दरमियान आपस में कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से खोल के। आप ये देखो कि बेसिकली राउटर को, लास्ट टाइम भी मैंने आपको दिखाया था कि राउटर का जो बैक एंड का जो होता है बेसिकली फिज़िकल, वो इस तरह से होता है। उसमें कुछ पोर्ट्स होती हैं, ऑन ऑफ का स्विच होता है, कुछ एक्स्ट्रा पोर्ट स्लॉट्स होती हैं, कुछ हम कार्ड्स लगा सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि यहाँ पे ऑक्सिलरी पोर्ट होती है, कंसोल पोर्ट होती है, और हमारे पास जो हमने राउटर चूज़ किया है उसमें दो फास्ट इथरनेट की पोर्ट्स मौजूद हैं। जब दो राउटर्स को आपस में ज्वाइन करना होता है ना, लास्ट टाइम जो हमने काम किया था वो हमने एक राउटर पर काम किया था। बेसिकली जो दो राउटर्स पर काम करेंगे ना हम, तो उन दो राउटर्स को हम एक सीरियल केबल के ज़रिए दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे। राउटर बेसिकली फास्ट इथरनेट पोर्ट के साथ भी ज्वाइन हो जाता है, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ किया जाता है वो सीरियल केबल यूज़ की जाती है। तो सीरियल केबल देखो, यहाँ पे सीरियल केबल की तो पोर्ट ही कहीं मौजूद नहीं है। जो हमारे पास राउटर है, जो हमने लिया है राउटर, उसमें कोई सीरियल पोर्ट मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कुछ एम्प्टी स्लॉट्स मौजूद हैं। ये वाली है बड़ी, और ये दो स्लॉट्स मौजूद हैं। ये जो छोटी एम्प्टी स्लॉट्स हैं ना, यहाँ पे आप सीरियल कार्ड लगाओगे ताकि हमें सीरियल पोर्ट मिल जाए। तो सीरियल कार्ड हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। हम ये WIC1T का जो है इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारे पास सीरियल पोर्ट है,
सीरियल कार्ड, कार्ड है बेसिकली, हम इसको यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने का तरीका मैंने आपको बताया था पहले, आप राउटर को ऑफ करो और ये जो कार्ड है यहाँ पे आप दोनों एम्प्टी स्लॉट्स में लगा लो। अब हमारे पास, हमें दो सीरियल पोर्ट्स मिल गई हैं, तो हमें वैसे रिक्वायर्ड एक ही है। चलो लेट्स से कि मैं एक जो है वो रिमूव कर देता हूँ, या अभी लगे रहने दो आप, उसके बाद आप इसको ऑन ऑफ कर लो। लेकिन यहाँ पर हमारे पास, मैं एक चीज़ आपको बताऊँ कि अगर आपने बिग नेटवर्क तैयार करना है, यहाँ पे तो हमारे पास एक छोटा नेटवर्क है ना, हमारे पास दो राउटर्स हैं जस्ट, उन दोनों राउटर्स को हमने आपस में कनेक्ट करना है, तो हमें एक भी सीरियल पोर्ट काफ़ी है। लेकिन अगर आपको बिग नेटवर्क तैयार करना है, आपने दो राउटर्स लगाने हैं, तीन लगाने हैं, चार लगाने हैं, दो का तो खैर हम ऑलरेडी कर रहे हैं, तीन राउटर्स लगाने हैं, या आपने चार राउटर्स जो है वो आपस में कनेक्ट करने हैं, तो आपको ज़्यादा सीरियल पोर्ट्स चाहिए होंगी। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे दो लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक एम्प्टी स्लॉट्स एक और मौजूद है, तो हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास, हमने मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि फास्ट इथरनेट का कार्ड मौजूद है। ये जो फास्ट इथरनेट का जो कार्ड है, आप ये भी आप यहाँ लगा सकते हो, ये आप लगा लो। अब आपके पास दो के बजाय चार कार्ड बन जो है वो फास्ट इथरनेट पोर्ट जो है वो आपको मिल गई हैं। तो अगर आपने बिग नेटवर्क तैयार करना है जिसकी लेंस भी ज़्यादा है, तो वो आपको यहाँ पे ये काम आ जाएंगे फास्ट इथरनेट पोर्ट्स। लेकिन अगर फर्ज करो हमें ज़्यादा राउटर्स आपस में ज्वाइन करने हैं, तो उसके लिए हमें जो ये सीरियल पोर्ट है ये ज़्यादा चाहिए होंगे, तो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा सीरियल पोर्ट्स भी लगा सकते हैं। ये जो दो कवर है ना, इनके स्क्रूज जो है वो निकल जाते हैं। वो किस तरह निकलते हैं, लेट से आप इस पर क्लिक करो और इस पर क्लिक करने के बाद इसको नीचे ड्रॉप कर दो, इस पे भी क्लिक करो और इसको भी नीचे ड्रॉप कर दो, तो ये आपके पास दो स्लॉट्स जो है वो आपको मिल गई। तो यहाँ पर भी आप दो सीरियल पोर्ट्स लगा सकते हो इस तरह से। ये अब आपके पास टोटल चार पोर्ट्स हो गई हैं, चार चार जो है वो फास्ट इथरनेट की पोर्ट्स हो गई हैं। तो अगर आपने बिग नेटवर्क तैयार करना है तो ये आपको काम आ जाएंगे आगे जाके। तो इस तरह से जो है हम अपनी पोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं, फास्ट इथरनेट की पोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं, सीरियल की पोर्ट्स को जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो लेकिन आपने ये काम करना है राउटर को बंद करके, और अभी हमें जो है वो ये सब चीज़ें नहीं रिक्वायर्ड हैं, तो हम निकाल देंगे। मैं जस्ट आपको सैंपल के तौर पे, आइडिया के तौर पे बता रहा था, और हमें सिर्फ एक ही पोर्ट चाहिए, तो हम जस्ट एक ही पोर्ट ले लेंगे और हम राउटर को ऑन कर लेंगे। तो सेम काम अब हम वहाँ कर लेंगे, हमें जो है वो जो हमने पोर्ट यहाँ लगाई थी वही पोर्ट हम यहाँ लगा लेंगे और राउटर को ऑफ करेंगे। हमें एक सीरियल पोर्ट चाहिए, तो हम यहाँ पे एक सीरियल पोर्ट लगा लेंगे और राउटर को ऑन कर लेंगे। अब हमारे पास एक सीरियल पोर्ट इसके अंदर है, आप चेक भी कर सकते हो माउस का, माउस का जो कर्जर होता है उसको ले जाके राउटर के ऊपर, कि आपके पास एक सीरियल पोर्ट 0/0 की और एक सीरियल पोर्ट 0/0 की यहाँ अवेलेबल है। सीरियल पोर्ट्स लग गई हैं, अब इन दोनों राउटर्स को आपस में हमने करना है ज्वाइन। तो ज्वाइन करने के लिए हमारे पास सिस्को पैकेट ट्रेसर में दो केबल्स हैं, सीरियल DCE और सीरियल DTE। सीरियल DCE केबल जो होती है उसमें हमें क्लॉक रेट देना पड़ता है, उसको हम नहीं चूज़ करेंगे, हम ले लेंगे सीरियल DTE केबल को। और इसकी जो सीरियल पोर्ट 0/0 है उसको हम राउटर की सीरियल पोर्ट 0/0 से ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से हमारा जो राउटर है वो भी आपस में, जो राउटर्स हैं वो भी आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। तो अब हमारे पास क्या कनेक्शन रह गए, अब हमने स्विच को राउटर से करना है, तो वो आपको पता है कि स्विच को राउटर से हम डिफरेंट डिवाइसेस हैं, तो हम यहाँ पे कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल ले लेंगे, फास्ट इथरनेट पोर्ट 0/0 को स्विच की जो पहली वाली हमने छोड़ दी थी उससे कनेक्ट कर देंगे, और इसी तरह से जो दूसरी लैन का है वो भी हम ज्वाइन कर लेंगे फास्ट इथरनेट पोर्ट 0/0 से। अब हमारे जो है वो सारे कनेक्शन हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने सबसे पहला काम ये करना है कि हमने दोनों लैंस के अंदर हमारे जो वर्क स्टेशन है, PCs हैं, उस पे हमने IP कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो हम उन पे IP कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, हमने काफ़ी दफ़ा सीखी है, तो हम यहाँ लिख लेंगे हमने इस जो लैन में बाय डिफ़ॉल्ट जो नेटवर्क लिया है वो लिया है 192.168.1.0। ज़ीरो का मतलब ये है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट है और जर्नल आई डी है, तो इसका जो पहला आई डी है वो ले सकते हो आप। तो जैसे कि 192.168.1.1 पहला छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं दूसरा ले लेता हूँ, क्योंकि पहला मैं जो है वो राउटर पे कॉन्फ़िगर करता हूँ फास्ट इथरनेट पोर्ट की। आप कर सकते हो, पहला भी कर सकते हो, दूसरा भी कर सकते हो, ये या फिर आपका जो दिल करे, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस ख्याल रखना कि जो इसकी जो नेटवर्क IDs हैं वो सेम हो और जो होस्ट आईडी है वो चेंज हो रही हो बस। तो फिर आप नीचे क्लिक करोगे तो उसका सबनेट मास्क आ जाएगा, और इस तरह से आपका ये इस पे IP कॉन्फ़िगरेशन हो गई है।
और इसी तरह से आप इस वाले पे भी आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर लो, डेस्कटॉप में जाके आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाके यहाँ पे जो आपने नेटवर्क लिया था वो था 172.16 वाला, यानी जो क्लास बी का है 172.16.0.1। वन छोड़ देते हैं, दूसरा ले लेते हैं क्योंकि वन हमें फास्ट इथरनेट पे कॉन्फ़िगर करना है। आप ले सकते हो, कोई सब इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हमारे जो है वो दोनों लैंस पे हमारी जो अभी कॉन्फ़िगर हुई हैं हो चुकी हैं, और अब हमने जो है वो राउटर की जो इंटरफेसिस हैं उन पे आईपी एड्रेस अलॉट करने हैं। इंटरफेस पे आईपी एड्रेस किस तरह अलॉट किए जाते हैं वो मैंने लास्ट लैब में आपको सिखाया था, तो सेम तरीका है। हम राउटर को ओपन करेंगे, इसके सीएलआई में चले जाएंगे, तो हमसे पूछ रहा है कि इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग देखना है आपने, एंटर होना है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम नो कर देंगे। हमारे पास ये बेसिक मोड आ गया। राउटर पे जो कि जो इंटरफेसेस होते हैं उस पर आईपी एड्रेस किस तरह कॉन्फ़िगर किए जाते हैं वो हमने लास्ट टाइम सीखा था, तो सेम मेथड से हम जो है वो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लेंगे। हम अपने EN लिख के या इनेबल लिख के हम अपने इनेबल मोड में चले जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए कॉन्फ़िग टी या कॉन्फ़िग टर्मिनल लिखेंगे हम, और इंटरफेस पहले हम फास्ट इथरनेट पे जो है वो कॉल कर लेते हैं। इंटरफेस FA कौन सी थी हमारी पोर्ट, ये वाली पोर्ट हमारी 0/0 थी। तो अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करो आपको यहाँ पे इंटरफेसेस नहीं नज़र आ रहे हैं ना, तो ऑप्शंस में जाके प्रेफरेंसेस में चले जाओ, और यहाँ पे एक ऑप्शन मौजूद है कि ऑलवेज शो पोर्ट लेबल्स, इस पर क्लिक करोगे ना, और तो जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको सारी पोर्ट्स की लेबल्स शो होना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें थोड़ी इससे आसानी हो जाती है आपके लिए कि भाई कौन सी पोर्ट से कौन सी पोर्ट कनेक्टेड है, उनके नाम आ जाएंगे। तो अभी हम देख सकते हैं कि जो हमारी फास्ट इथरनेट पोर्ट थी वो 0/0 थी, जो राउटर 0 की थी, उस पर क्लिक करेंगे। फास्ट इथरनेट पोर्ट 0/0 थी हमारी, तो वो हमने कॉल कर ली यहाँ पे, और उस पर आई पी एड्रेस अलॉट कर देंगे। आई पी एड्रेस कौन सा देंगे, हमारा जो पहला वाला था इस नेटवर्क का, इस लैन का, लाहौर वाली लैन का जो पहला आई डी हमने छोड़ दिया था 192.168.1.1, इसका जो है वो सबनेट मास्क दे देंगे स्पेस देके 255.255.255.0, एंटर करेंगे, ये अलॉट हो गया। आपको पता है कि पोर्ट अप करने के लिए हम नो शट डाउन लिखते हैं यहाँ पे, एंटर करेंगे तो हमारी पोर्ट की जो स्टेट है वो अप हो जाएगी, यानी ओपन हो जाएगी। इसी तरह से यही सेम काम हमने राउटर वन पे करना है, तो CLI में चले जाएंगे, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग की, नो कर देंगे। हमारे पास बेसिक मोड आ गया, इनेबल लिखेंगे इनेबल मोड आ जाएगा, कॉन्फ़िग टी लिखेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन मोड आ जाएगा। इंटरफेस फास्ट इथरनेट की पोर्ट जो यहाँ पर भी 0/0 थी आप देख सकते हो, ये देखो ये 0/0 थी, इसको कॉल कर लेंगे हम, एंटर दबा देंगे तो ये कॉल हो गई। अब यहाँ पे आईपी एड्रेस अलॉट कर देंगे। आईपी एड्रेस हमने क्या लिया था यहाँ पे 172 वाला, इसका जो पहला आईडी था 172.16.0.1, इसका सबनेट मास्क आपको पता है कि क्या होगा क्योंकि ये क्लास बी का आईडी है। अलॉट हो गया, नो शट डाउन लिखेंगे ताकि पोर्ट जो है उसका स्टेट अप हो जाए। अच्छा जी, अब हमारे जो दोनों राउटर्स हैं उस पे हमने फास्ट इथरनेट की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कर दी। अब हमने इन पे करनी है सीरियल की, सेम मेथड होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो सबसे पहले आप अपने कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाओ, और अब जो आपने कॉल करना है ना वो अपने आपने सीरियल पोर्ट को कॉल करना है। सीरियल पोर्ट कौन सी थी, ये हमारी 0/0 थी और ये भी हमारी 0/0 थी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इंटरफेस सीरियल 0/0, ये कॉल कर लिया हमने। इस पर भी सेम आईपी एड्रेस, हमने ऊपर कौन सा नेटवर्क चला रहे हैं, हम 12 वाला चला रहे हैं, तो उसका हम दे देंगे। लेट्स से के यहाँ पे आईपी एड्रेस आपका आ गया है 12 डॉट, पहला आईडी ले लो क्योंकि क्लास वन का आईडी है, इसलिए हम नेटवर्क बिट को सेम रखेंगे और होस्ट बिट को चेंज कर देंगे। तो आपको इसका सबनेट मास्क पता है क्या होता है, 255.0.0.0 होगा, एंटर कर देंगे तो ये अलॉट हो गया। यहाँ पर भी हमें नो शट डाउन करना है ताकि हमारी जो पोर्ट है सीरियल वाली वो उसकी स्टेट अप हो जाए। नो शट डाउन करेंगे, एंटर दबाएंगे तो हमारी पोर्ट अप होने के बजाय उल्टा डाउन हो गई। ये क्यों हो गया, ये इसलिए हो गया कि जब आप यही काम दूसरे राउटर पे करोगे तो ये पोर्ट ऑटोमेटिकली जो है वो अप हो जाएगी। इसलिए इस चीज़ को देख के टेंशन नहीं लेनी कि ये डाउन क्यों हो गई है यहाँ पे। तो यही काम आप राउटर वन पे कर लो, कॉन्फ़िग मोड में चले जाओ,
आपका ये ऑलरेडी कन्फिग मोड में है, तो पहले से बाहर आ जाओ आप। तो अब आपने इंटरफेस जो है वो आपकी जो सीरियल वाली पोर्ट है उसको कॉल करना है। यहाँ पर भी वो 0/0 थी, तो आईपी एड्रेस अलॉट करोगे, सेम होगा लेकिन दूसरा होगा, सिर्फ हमने होस्ट बिट चेंज करनी है 112.1.1.2, तो बाकी सबनेट मास्क सेम रहेगा क्योंकि क्लास ए का जो है वो आईपी एड्रेस है। ये हमारी जो है वो कॉल हो गई। सेम काम हम यहाँ करेंगे नो शट डाउन। तो अब देखो स्टेट जो है वो अप हो गई है। थोड़ी देर बाद आपको मैसेज आ जाएगा कि जो आपका दूसरा राउटर था उसकी पोर्ट डाउन हुई थी, वो भी जो है वो आपकी अप हो गई है। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि वहाँ आपने टेंशन नहीं लेनी उसकी, यहाँ से एग्जिट आ जाओ। अब आपने क्या किया है, आपने सारी इंटरफेसिस के ऊपर आईपी एड्रेस अलॉट कर दिए हैं। तो अगर फर्ज करो, अगर आपने देखना है ना कि आपने क्या क्या आईपी एड्रेस अलॉट किए हैं, लेट से आप भूल गए हो, तो आपके पास एक कमांड है, वो कमांड चलती है इनेबल मोड में। अब कमांड क्या है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो आप देख सकते हो कि आपने फास्ट इथरनेट पोर्ट 0/0 को किस पे असाइन किया है, क्या एड्रेस असाइन किया था, सीरियल जीरो पे क्या एड्रेस असाइन किया था, और जो हमारी एक थी वो अनअसाइंड थी, वो खाली पड़ी है। तो आप इस तरह भी देख सकते हो, या फिर एक कमांड और है, अगर आपने आईपी राउट चेक करना है ना कि आईपी को रास्ते कौन कौन से पता चल गए हैं, एक नेटवर्क के अंदर जो सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं सिस्टम, वो रास्ते ही होते हैं ना, उसके रूट पाथ, वो अगर आपने चेक करने हैं, तो एक कमांड होती है शो आईपी राउट। जब ये करोगे तो आपको बता देगा कि सी यानी डायरेक्टली कनेक्टेड है, इस राउटर को इस नेटवर्क का पता है जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है सीरियल पोर्ट के साथ 0/0, इस राउटर को जो हमारा यूएसए का राउटर है उसको इन दो नेटवर्क्स का पता है जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है फास्ट इथरनेट पोर्ट और सीरियल पोर्ट के साथ। अच्छा जी, अब ये राउटर जो है ना, इस राउटर को हमने देखा इसको शो आईपी राउट करके कि इसको इन दो नेटवर्क्स का पता है। इसी तरह से आप जो आपका राउटर जीरो है उस पर भी आप चेक कर सकते हो जाके, आप यहाँ से एंड कर लो अपने आप को, इनेबल मोड में आ जाओ क्योंकि ये कमांड इनेबल मोड में ही चलती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो शो आईपी राउट करके, तो जो हमारा पाकिस्तान का राउटर था उसको भी इन दो नेटवर्क्स का पता है, एक 12 वाले, एक 192 वाले। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा पाकिस्तान का राउटर है ना, तो उस राउटर को एक इस नेटवर्क का पता है और उस राउट 192.168.1 वाले का, और इसको एक 12 नेटवर्क का पता है जो ये इस पे इसकी जो सीरियल पोर्ट्स हैं उन पे कन्फिगर हुआ है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको और बताऊं कि अगर आपको ये जो टैग्स है ना ये तंग कर रहे हैं, तो लेट से इनको आप बंद भी कर सकते हो जाके। जब अब आपने कॉन्फ़िगरेशन कर ली है ना, तो आप दोबारा अपने यहाँ पे ऑप्शंस में जाओ, प्रेफरेंसेस में जाओ, और ये जो ऑलवेज शो का जो ऑप्शन हमने टिक किया था इसको अनचेक कर दो, तो ये सारी ख़त्म हो जाएंगी, हमें रिक्वायर्ड नहीं है। आप मैनुअल टैगिंग भी कर सकते हो, खैर अब उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो यहाँ पे ना इस तरह से कि SE ये 0/0 थी, या क्योंकि समटाइम जब बिग नेटवर्क तैयार किए तो छोटा नेटवर्क है ना, अगर बड़ा नेटवर्क तैयार कर रहे होते ना तो पोर्ट्स के नाम नहीं याद रहते, तो ये तो एक छोटा नेटवर्क था तो हमें इतना टेंशन नहीं थी। हम मैनुअल टैगिंग भी कर सकते हैं, आप अंदर से भी कर सकते हो जो ऑटोमेटिक टैगिंग हो जाती है जैसे। तो मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको बता रहा था कि इस राउटर को एक इस नेटवर्क का पता है और एक इस नेटवर्क का पता है, लेकिन इस राउटर को इस नेटवर्क का नहीं पता। इसी तरह से इस राउटर को जो है वो 172 वाले का पता है, 12 वाले का पता है, लेकिन 192 वाले का नहीं पता। तो अब दोनों राउटर्स को दो दो नेटवर्क्स का पता है, लेकिन जो अपोजिट नेटवर्क है ना उनका नहीं पता। तो वो भी हमने इनको बताने हैं ताकि हमारी कम्युनिकेशन जो है वो सक्सेसफुली हो सके। तो वो जो राउट्स है ना, हम आज राउटिंग की एक टाइप स्टैटिक राउटिंग जो है उसके जरिए उनमें कन्फिगर करेंगे। तो राउटर जीरो में चले जाते हैं, तो मैंने आपको यहाँ पे शो आईपी राउट करके बताया था कि इस जो हमारा राउटर जीरो है, जो पाकिस्तान का राउटर है, उसको दो नेटवर्क का पता है, 12 वाले का और 192 का। लेकिन जो हमारा नेटवर्क सिस्टम है उसमें एक नेटवर्क और काम कर रहा है, 172 वाला, उसको नहीं पता ये वाला। तो उस नेटवर्क को हमने बताना है, इस राउटर को मैनुअली बताना है क्योंकि हम स्टैटिक राउटिंग कर रहे हैं, तो हम बताएंगे। तो उसका क्या तरीका है, उसका तरीका ये है कि आपने कन्फिगर मोड में जाना है, कन्फिग टी लिख लो, कन्फिग टर्मिनल लिख लो, एंटर कर लो, ये आपका कन्फिग्रेशन मोड आ गया है। अब एक कमांड होती है आईपी राउट, ये लिखोगे आप, और वो जो तीसरा नेटवर्क था ना जो नहीं पता उसको, उसके बारे में बताना है। अब ये राउटर जीरो है, राउटर जीरो को किसका नहीं पता, राउटर जीरो को 172 वाले का नहीं पता, तो हम बता देंगे उसको, लेकिन जर्नल आईडी लिखेंगे।
ताकि पूरे होल नेटवर्क का उसको अंदाजा हो जाए. 172.16.0.0 जर्नल आईडी, स्पेस देंगे. स्पेस देने के बाद उसका सबनेट मास्क देंगे जो भी होगा 255.0, क्योंकि ये 255.255 बेसिकली ये क्लास बी का है, तो इसका सबनेट मास्क ये होगा. ये हमने इसका बता दिया जो इसका तीसरा नेटवर्क है, और स्पेस दे के उसका सबनेट मास्क भी दे दिया. लेकिन अब हमें उसको बताना है कि वो बेसिकली तीसरा नेटवर्क आ किस तरफ से रहा है, उसका रास्ता क्या है, उसका गेटवे क्या है, तो वो भी हमने उसको बताना है. तो आप देखो कि राउटर ज़ीरो जो पाकिस्तान का राउटर है इस टोपोलॉजी में, उसके अंदर एक जो तीसरा नेटवर्क था 172 वाला, वो किस रास्ते से जा रहा है. वो जा रहा है इस यूएसए वाले रास्ते से, और उस यूएसए वाले रास्ते में जो सीरियल पोर्ट थी उस पर हमने एक आईपी एड्रेस अलॉट किया था 112.1.1.2. वो उसका रास्ता है, क्योंकि बेसिकली वो इसी रास्ते से इस सिस्टम में एंटर होगा ना, यूएसए के अंदर इसी रास्ते से एंटर होगा जो वो सीरियल पोर्ट 0/0 पे हमने अलॉट किया था. तो वो जो रास्ता है गेटवे, वो हम यहाँ पे अलॉट कर देंगे ताकि उसको पता तो चले कि किस रास्ते से दाखिल होना है, गेटवे क्या उसका. तो हम देंगे 12.1.1.2, एंटर कर देंगे. तो ये हमारा सक्सेसफुली इस पे एंटर हो गया. समटाइम्स क्या होता है कि इस जगह पे ना एरर रह जाता है. वो एरर हमारी गलती की वजह से आता है कि हम जर्नल आईडी नहीं चूज़ कर रहे होते, या हमने सबनेट मास्क गलत दिया होता है, या फिर हमने गेटवे गलत दिया होता है. तो ये वाला जो स्टेप है स्टैटिक राउटिंग लगाने का, ये बड़ा केयरफुली लिखना होता है. तो अगर केयरफुली लिखोगे समझ के, तो यहाँ पे कोई एरर आपको नहीं आएगा. तो हमने कर दिया, तो हम एग्जिट कर देंगे यहाँ से. बस इतना सा काम था हमारा. तो यही काम हम अब जो है हम दूसरे राउटर पे करेंगे, जो हमारा राउटर वन है. अब राउटर वन जो यूएसए का राउटर है, उसको किस किस नेटवर्क के बारे में पता है. हमने शो आईपी ब्रीफ करके देखा था, हमने देखा था कि यूएसए को 172 वाले का पता है, 12 वाले का पता है, लेकिन 192 जो लाहौर का नेटवर्क है उसका नहीं पता उसको. तो उसको बता देंगे हम सेम मेथड से. हम राउटर वन पे क्लिक करेंगे, ये हमने देखा भी था आईपी राउट करके कि किन दो नेटवर्क का पता है. सेम मेथड है, हम लिखेंगे कन्फिग टी, कन्फिग टर्मिनल, कन्फिग्रेशन मोड में आ गया. सेम कमांड यूज़ करेंगे आईपी राउट की, और हम लिखेंगे 192.168.1.0 जर्नल आईडी, ताकि पूरा नेटवर्क जो है वो शामिल हो जाए उसके अंदर. तो इसका सबनेट मास्क क्या था, 255.255.255.0, और स्पेस देके इसका गेटवे. गेटवे केयरफुली चूज करना है आपने. राउटर वन का गेटवे क्या होगा, राउटर यूएसए को एंटर होना है पाकिस्तान के अंदर, तो वो किस रास्ते से एंटर होगा, वो जो उसका सीरियल पोर्ट पे जो था रास्ता, वो उससे एंटर होगा. यानी जो उस पर हमने आईपी एड्रेस दिया था, वो उसके ज़रिए एंटर होगा, इस रास्ते से एंटर होगा ना. तो वो हम गेटवे के तौर पे हम यहाँ दे देंगे. वो क्या था हमारा, 12.1.1.1. तो ये हमने दे दिया, सक्सेसफुली हमारा जो है वो कन्फिगर हो गया, कोई एरर नहीं आया. क्योंकि समटाइम्स यहाँ पे एरर आ जाता है, केयरफुली दोगे आप हर चीज़ तो कभी भी एरर नहीं आएगा आपका. तो ये काम था, ये हमने दोनों राउटर पे कर लिया. अब आप क्या कर सकते हो, अब आप दोबारा वही कमांड चलाओ शो आईपी राउट की इनेबल मोड में जाके. तो अब आपको बता रहा है कि जो यूएसए का राउटर है उससे दो नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, और एक तीसरा नेटवर्क है एस स्टैटिकली कनेक्टेड है, ये वाला वाया दिस गेटवे, ये उसका रास्ता है. अब इसको पता चल गया. तो यही काम अगर आप राउटर जीरो पे जाके करके देखो, यही कमांड चलाओ आप शो आईपी राउट, तो इसके पास भी इन्फॉर्मेशन आ गई है कि भाई 12 वाला और 192 वाला तो डायरेक्टली कनेक्टेड थे, लेकिन एक एस स्टैटिकली कनेक्टेड है जो कि ये वाला नेटवर्क है, और वो वाया दिस गेटवे जो है वो कनेक्टेड है. तो अब क्या है कि राउटर्स को सारी इन्फॉर्मेशन का पता चल गया है. आप पिंग करके देख सकते हो. आप लेट से कि आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि आप पिंग यहाँ से भी कर सकते हो. बेसिकली आप पिंग करना चाहो तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, या जो सिंपल मेथड मैंने बताया था आपको कि यहाँ से पैकेट उठाओ तो आप पिंग करके देख लो. हम क्या करते हैं, पिंग करके देखते हैं. हम यहाँ से पैकेट उठाते हैं, इस राउटर को इस राउटर पे करते हैं, सक्सेसफुल जा रहा है हमारा. इसका मतलब है ये दोनों, ये कनेक्शन सही है हमारा. इस पीसी को इस राउटर पे करके देखते हैं, ये भी हमारा सक्सेसफुल है. और इस पीसी को इस राउटर पे करते हैं, ये भी हमारा सक्सेसफुल है. अब हम क्या करते हैं, इस पीसी को इस राउटर पे करवा के देखते हैं. इन प्रोग्रेस, समटाइम्स पहला पैकेट फेल हो जाता है, दूसरा करके देख लेते हैं, दूसरा भी फेल हो गया. क्यों फेल हो रहा है,
वो इसलिए फेल हो रहा है कि इस पीसी को तो गेटवे का पता ही नहीं है, हमने तो यहाँ कोई गेटवे सेट ही नहीं किया रास्ता, ये सिर्फ यहाँ जाता है और यहाँ जाके रुक जाता है अपने राउटर पे, पाकिस्तान के राउटर पे जाता है और यहाँ जाके रुक जाता है, और ये यूएसए के अंदर दाखिल नहीं हो पा रहा, तो हम इसको गेटवे दे देते हैं। इसी तरह से हम न्यूयॉर्क वाले लैन को भी गेटवे दे देते हैं ताकि दोनों पीसी, न्यूयॉर्क के पीसी और लाहौर के पीसी आपस में भी कम्युनिकेशन कर सके। तो गेटवे देने का तरीका मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि पीसी पे क्लिक करो, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाओ, गेटवे जहाँ लिखा होता है यहाँ पे गेटवे दे दो। अब गेटवे जो है ना, यहाँ पर भी आपने केयरफुली देना है। गेटवे आप दो तरह के दे सकते हो, एक तो आप वो दे सकते हो जो कि आपने अपने पाकिस्तान के राउटर की सीरियल पे किया है, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट दिया जाता है ना वो दिया जाता है 192.168.1.1, जो इसी नेटवर्क का जो पहला आईडी है जो हमने राउटर की इंटरफास इथरनेट पोर्ट जो है उस पे कॉन्फ़िगर किया था। क्योंकि एक दफ़ा आपका सिस्टम आपके राउटर में चला गया तो राउटर के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है, वो आगे खुद ही भेज देगा उसको। तो आप क्या करोगे, जो राउटर का जो पहला आईडी होता है ना जो हमने बचा के रखा होता है, वो वाला गेटवे दे दो कि हमने बेसिकली राउटर के अंदर भेजना है इसको, राउटर को आगे पता है कि सारी इंफॉर्मेशन कौन सी कहाँ कनेक्टेड है, तो ये हमने दे दिया। तो इसी तरह से आप दूसरे पीसी पे भी दे दो, दूसरी लैन के पीसी पे, यहाँ पे भी आप पहला दे दो, आप दूसरा वाला भी दे सकते हो जो सीरियल पोर्ट पे दिया हुआ है हमने, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये चल रहा होता है कि भाई आपने पैकेट को बेसिकली राउटर अपने राउटर के अंदर भेजना है, उसी लैन के जो साथ राउटर अटैच है उसमें आपने पैकेट भेजना है, आगे राउटर खुद ही भेज देगा। तो 172.16.0.1 जो पहला आईडी था हमने वो दे दिया। अब हम देखेंगे कम्युनिकेशन के सारी हो सकती है, हम पहले देखेंगे PC0 जो है वो यूएसए को भेज रहा है, लाहौर का पीसी यूएसए वाले राउटर को पैकेट भेज रहा है, सक्सेसफुल जा रहा है। अब हम देखेंगे कि जो न्यूयॉर्क सिटी का पीसी है वो पाकिस्तान के राउटर को भेज रहा है, सक्सेसफुल जा रहा है। अब हम लाहौर के पीसी को न्यूयॉर्क के पीसी से पैकेट भेजेंगे, सक्सेसफुल जा रहा है। इसका मतलब है कि हमारा ये जो नेटवर्क है इस टाइम सक्सेसफुली जो है वो चल रहा है, हर तरह से कम्युनिकेशन हो रही है। एक सेकंड तरीका भी होता है, वो भी मैंने आपको बताया था कि आप राउटर के अंदर जो इसका इनेबल मोड होता है ना वहाँ जाके भी आप पैकेट भेज सकते हो। कैसे भेजोगे, जो राउटर का हमारा इनेबल मोड होता है ना वहाँ पे आप लिखो पिंग। अब ये पाकिस्तान का राउटर जो मैंने खोला हुआ है इस टाइम, अब ये फ़र्ज़ करो कि ये यूएसए के राउटर को कोई पैकेट भेजना चाह रहा है तो उसका आईपी लिख देंगे, जवाब आ रहा है, एस्केलेमेशन मार के सक्सेस रेट 100% है, जवाब आ रहा है। आप पिंग करके देखो न्यूयॉर्क सिटी में जो पीसी पड़ा हुआ है उसका क्या आईपी एड्रेस था, 172.16.0.2, सक्सेस आ रहा है, यानी आप यहाँ से भी पिंग कर सकते हो राउटर के अंदर से भी। तो ये थी हमारी जनाब आज की लैब, इसमें हमने एक छोटा नेटवर्क तैयार किया स्टैटिक राउटिंग का, जिसपे हमने पहले क्या किया, सबसे पहले लैंस बनाई हैं, लाहौर की लैंस बनाई हैं, न्यूयॉर्क सिटी की लैंस बनाई हैं, दोनों जगह डिफरेंट नेटवर्क्स लिए हैं, फिर हमने एक तीसरी लैन बनाई है जो कि तीनों को मिला के एक वैन बना देगी, वो है हमारी पाकिस्तान और यूएसए का राउटर। हमने देखा कि सीरियल कार्ड कैसे लगाया जाता है, अगर ज़्यादा लगाने हो तो उसके लिए क्या करते हैं हम, और उनके दरमियान सीरियल केबल कैसे लगाई जाती है, कौन सी लगाते हैं, और इंटरफेसिस के ऊपर आईपी एड्रेस किस तरह अलॉट किए जाते हैं, चाहे वो फास्ट इथरनेट का हो या सीरियल का हो। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट काम हमने किया है वो स्टैटिक राउटिंग का, कि स्टैटिक राउटिंग किस तरह से जो है वो कन्फिगर की जाती है। तो ये सारे काम हमने आज की लैब में सीखे हैं। तो अब आपके लिए, आप इसको सिमुलेशन मोड में भी देख सकते हो, आप सिमुलेशन मोड में चले जाओ और आप वही सेम काम आप यहाँ पे कर सकते हो। आप पैकेट भेजो PC0 से PC1 पे और प्ले का बटन दबा दो, तो यह आपको पैकेट की इंफॉर्मेशन पहले यहाँ जाएगी, फिर राउटर वन पे जाएगी जो पाकिस्तान का है, फिर वो यूएसए के राउटर पे भेजेगा, फिर स्विच वन पे भेजेगा, और फिर वो जो न्यूयॉर्क सिटी में पीसी पड़ा हुआ है वहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन सक्सेसफुली ट्रांसफ़र कर देगा। और ये काम यहाँ तो बड़ी स्लोली हो रहा है, लेकिन ये बहुत स्पीड से होता है जब हम एक्चुअली जो है वो कर रहे होते हैं, जब हम कोई वेबसाइट खोल रहे होते हैं या किसी को हम कोई डाटा सेंड कर रहे होते हैं, तो ये हमारा काम बेसिकली होता है। तो इस तरह से जो है वो हम, ये हमारी लैब कंप्लीट होती है स्टैटिक राउटिंग की। आज आपके लिए एक छोटा सा टास्क अब ये है कि अब आप इसी नेटवर्क को बनाओ थोड़ा सा बड़ा करके। वो कैसे बनाओगे, मैंने जैसे दो राउटर लिए हैं ना, आप एक इसके आगे एक तीसरा राउटर लगाओ और उसको लेट से नाम दे दो कि वो आपका यूएई में एक राउटर पड़ा हुआ है और उसके साथ जो लैन अटैच है वो दुबई की लैन अटैच है,
उसके साथ ही यहाँ पे एक सीरियल केबल के जरिए आप उसको अटैच कर दोगे। बिग नेटवर्क तैयार कर रहे हो तो आपको इस राउटर के अंदर, जो राउटर यूएसए का राउटर है, उसमें दो सीरियल कार्ड की जरूरत होगी। तो इसके साथ एक और अटैच कर लो आप राउटर, और उसके नीचे एक लैन और अटैच कर लो। लेट्स से कि वो यूएई का राउटर है और उसके नीचे जो लैन है वो दुबई की लैन अटैच हुई हुई है। एक पीसी ले लो, दो ले लो, तीन ले लो, पीसीज आपकी मर्जी, जितने मर्जी लो। डिफरेंट नेटवर्क रख लेना, सेम आईडी का, सेम क्लास का भी रख सकते हो, बस नेटवर्क डिफरेंट होना चाहिए। तो ये काम आप करो, ये आपका टास्क है। जो हमारे कुछ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनके लिए ज़रा डिफरेंट टास्क सोच के रखा हुआ है। वैसे तो बाय डिफॉल्ट सबके लिए यही है कि आप जस्ट इसके आगे एक और राउटर लगाओ और उसके नीचे एक लाइन लगा दो, और आपका टास्क ये है, ये कंप्लीट करके मुझे सेंड करना। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जो थोड़े से पढ़ाकू बच्चे हैं, उनके लिए ये है कि आप थोड़ा सा मुश्किल टास्क है, अगर वो करना चाहें तो उनके लिए मैंने ये बनाया है एक टास्क। इसमें भी तीन राउटर्स जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन वो तीन राउटर्स आपस में कनेक्ट हुए हैं, यानी एक डेल्टा कनेक्शन बना रहे हैं। जो मैंने आपको टास्क दिया है ना, वो तो ये दिया है ना कि भाई आपने जस्ट इसके आगे एक और राउटर लगाना है, यूएई नाम दे दो, और उसमें दुबई का वो एक लैन वहाँ मौजूद है। लेकिन ये जो है आपके पास टोपोलॉजी, इसके अंदर जो राउटर्स हैं आपके, वो तीनों आपस में कनेक्टेड हैं, डेल्टा कनेक्शन बना रहे हैं, और उनके साथ साथ एक एक लैंस अटैच हुई हुई है। और सैंपल के तौर पे मैंने यहाँ पे सारे क्लास ए के आईडी लेके इनको मैंने बनाया था ताकि आसानी हो जाए। वो लिख भी दिए मैंने कि यहाँ पे तीन लैन नेटवर्क्स काम कर रहे हैं, तीन वैन नेटवर्क्स काम कर रहे हैं। आपको कलर कोडिंग से भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी जगह कौन सा नेटवर्क काम कर रहा है। सीरियल पोर्ट्स के नाम भी लिख दिए हैं, और उनके जो इंटरफेसिस पे जो जो पोर्ट्स असाइन करनी है वो भी लिख दिए हैं। बस आपने गेटवे केयरफुली चूज़ करना है, और आप बना सकते हो। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि यहाँ पे आपने स्टैटिक राउटिंग लगानी है। तो ये वाला टास्क कर लो, या इससे जो एक थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी टास्क मैंने पहले दिया था आपको कि जस्ट इसके आगे एक और राउटर लगाओ और उसके नीचे एक और लैन लगाओ, और आप वो वाला कर लो, वो भी कर सकते हो। तो ये आज की लैब थी, और इसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी हैं। आने वाली लैब में हम डायनेमिक राउटिंग के बारे में सीखेंगे, और डायनेमिक राउटिंग में चलते हैं एक्चुअली प्रोटोकॉल्स। और वो प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं, वो रिप है, EIGRP है, IGRP है, और OSPF है, ISIS है, और भी बहुत ज़्यादा हैं। तो हम इन प्रोटोकॉल्स को सीखेंगे। जो ज़्यादा फेमस है वो EIGRP और OSPF है, उनको हम पहले सीख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली लैब में।